हेलो दोस्तों, आप सबको राम राम। आज का ब्लॉग होने वाला है मंगल महादेव का। तो मैं आज आया हूँ मंगल महादेव मंदिर, ये पड़ता है IGI एयरपोर्ट के बिल्कुल जस्ट सामने। और इसके लिए अगर आप आना चाहते हैं तो गुड़गांव से आ रहे हैं तो कापासेड़ा बॉर्डर से बस चलती हैं, तो बस पकड़ के आ सकते हैं। बस यहाँ पे आती है 706, 719 और 717 और 543। तो ये शिवपुरी से मूर्ति पड़ता है यहाँ का बस स्टॉप, तो वहाँ पर आप उतरिए और 300 से 400 मीटर की पैदल रास्ता तय करके इस मंदिर पे आ सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ मैं यहाँ मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से अंदर घुसते ही आपको सामने मिल जाते हैं महादेव और लेफ्ट तरफ राम सीता जी एंड राइट में राधा कृष्ण। काफ़ी ज़्यादा मूर्ति है महादेव जी की और ऐसे ही राम सीता जी की भी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। चलते हैं राम जी की ओर, वहाँ पे जाके आपको पास से मूर्ति दर्शन देता हूँ, दिखाता हूँ। ये राधा कृष्ण की मूर्ति काफ़ी ज़्यादा विशाल है। यहाँ शिव जी की बहुत ही ज़्यादा विशाल मूर्ति है। ये काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके, सब सारे के सारे भगवानों के दर्शन हो गए। श्री कृष्ण जी, राधा जी, सीता जी, राम जी और सबके देवों के देव महादेव और महादेव परिवार, सबके सबके दर्शन करे। शिव जी पे जल भी चढ़ाया, काफ़ी अच्छा शांति मिली। ऐसी जगह पे आके अलग ही शांति मिलती है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्क ही टाइप बने हुए हैं जिसमें आप लोग आके बैठ सकते हैं और इस भव्य दर्शन नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी सही मौसम हो रखा है, अब शाम भी हो रही है तो और अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में महादेव जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मस्त ब्लॉग में। चलिए बाय।